अस्सलामु अलैकुम, अफरा से आप मोहल एडुकेट यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है अमेरिका के सदारती इंतखाबात, जो न सिर्फ आपके लिए दिलचस्प होगा बल्कि हैरान कुन और नई मालूमात से भरपूर भी होगा, जो आपकी इल्मी इस्तेदाद को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की बरवक्त इत्तला आपको मिल सके। आइए चलते हैं हमारे आज के मौजू की तरफ। अमेरिका के सदारती और नायब सदारती इंतखाबात एक बिलवास्ता इंतखाबात हैं, जिसमें अमेरिका के 50 रियासतों के वाशिंगटन डीसी में रहने वाले शहरी वोट डालने के लिए रजिस्टर होते हैं। इन इलेक्शंस में इंतखाबात कुनिंदा सदर और नायब सदर के लिए बराह रास्त वोट डालते हैं, जिसे इंतखाबी वोट कहा जाता है। इंतखाबी वोटों के मुताबिक अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार इस ओहदे के लिए मुंतखब किया जाता है। अगर किसी को नायब सदर के लिए वोट की मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं होती है तो सेनेट नायब सदर का इंतखाब करता है। इंतखाबी कॉलेज और इसका तरीका कार अमरीकी आयन में आर्टिकल 11 सेक्शन 1 शिक 2 और 4 के जरिए कायम किया गया है। इंतखाब कुनिंदा के इंतखाब का तरीका हर रियासती मुकन्नना के जरिए तय किया जाता है। एक बार मुंतखब होने के बाद इंतखाब कुनिंदा आमतौर पर अपने उम्मीदवार के लिए इंतखाबी वोट डालते हैं, जो अपनी रियासत में अक्सरियत जीतता है। जो अक्सरियत की मुखालफत में वोट देते हैं वो गैर मुत्तफ़िका इंतखाबी कारकुन के तौर पर जाने जाते हैं। जदीद दौर में गैर वाबस्ता वोटर्स ने इंतखाबात के हतमी नतायज को मुतासर नहीं किया है, लिहाजा आमतौर पर नतायज का तायुन रियासत ब रियासत मकबूल वोट की बुनियाद पर किया जा सकता है। इसके अलावा बेशतर वक्त किसी अमरीकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाला कौमी पॉपुलर वोट भी जीतता है। चूँकि मकामी हुकूमतें इंतखाबात के इंतजाम की जिम्मेदार होती हैं, इसलिए ये रेस आमतौर पर एक ही बैलेट पर दिखाई देती है। नामजदगी का अमल, जिसमें प्राइमरी इंतखाबात और कुकीसीज और नामजद कन्वेंशन शामिल हैं, आइन में मुतय्यन नहीं किया गया था, लेकिन रियासतों और सियासी जमातों ने वक्त के साथ साथ इसको वजूद अमल में लाई थी। ये प्राइमरी इंतखाबात आमतौर पर नवंबर में होने वाले आम इंतखाबात से पहले जनवरी और जून के दरमियान होते हैं, जबकि नामजद कन्वेंशन मौसम गर्मा में होते हैं। अगरचे कानून के जरिए तौसीक नहीं की गई, लेकिन सियासी जमातें भी बिलवास्ता इंतखाबी अमल पर अमल पैरा हैं, जहां 50 रियासतें वाशिंगटन डीसी और अमरीकी इलाकों में राय दहिंदगान किसी सियासी जमात के नामजद कन्वेंशन में नुमाइंदों की एक सीट के लिए वोट डालते हैं, जो फिर अपनी पार्टी के सदर का इंतखाब करते हैं। उम्मीदवार इसके बाद हर पार्टी टिकट में शामिल होने के लिए नायब सदर के शरीक साथी का इंतखाब कर सकती है, जिसका तायुन दूसरे मरहले के जरिए होता है। वफाकी मुहिमों के लिए शराकत के इंकशाफ के सिलसिले में 1970 की दहाई से कौमी मुहिम के मालियाती कवानीन में तब्दीली की वजह से बड़ी सियासी जमातों के सदारती उम्मीदवार आमतौर पर इंतखाब से कबल पिछले कैलेंडर साल के बहार के शुरू तक अपने अजायम का ऐलान करते हैं। मुत्तहिदा अमरीका के सदारती इंतखाबात 2020 मंगल 3 नवंबर 2020 को होंगे। ये 59वां सैमाही सदारती इंतखाब होगा। राय दहिंदगान सदारती इंतखाब का इंतखाब करेंगे, जो 14 दिसंबर 2020 को अपना नया सदर और नायब सदर मुंतखब करने के लिए या बिलतरतीब डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंसी में से इंतखाब करेंगे। सदारती प्राइमरी इंतखाबात और कुकीसीज का सिलसिला फरवरी से अगस्त 2020 तक मुनक्किद हुआ। ये नामजद अमल एक बिलवास्ता इंतखाब है, जहां राय दहिंदगान ने सियासी जमात के नामजद कन्वेंशन के नुमाइंदों की सीट का इंतखाब करते हुए बैलेट कास्ट किया और इसके नतीजे में वो अपनी जमातों के नामजद उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। सदर और नायब सदर दो जमाती उम्मीदवारों में रिपब्लिकन मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक साबिक नायब सदर जो बाइडेन शामिल हैं। इंतखाबात के मरकजी उमूर में जारी कोविड-19 वबाई मर्ज का असर भी शामिल है, जिसने 2,30,000 अमरीकियों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। जॉर्ज फ्लाइड और दीगर अफ्रीकी अमरीकियों के कत्ल के रद्द अमल में एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रुथ बदर जेंसबर्ग की मौत, एमी कोनी बैरेट की तस्दीक और अफोर्डेबल केयर एक्ट का मुस्तकबिल, जिसमें बाइडेन कानून साजी के दायराकार को बचाने और बढ़ाने पर बहस की। ट्रंप ने इसके खात्मे के लिए जोर दिया। ट्रंप ने मौजूदा नायब सदर पेंस के साथ बगैर किसी शदीद मुखालफत के रिपब्लिकन नामजदगी हासिल की। साबिक नायब सदर जो बाइडेन ने अपने करीबी हरीफ सेनेटर बर्नी सैंडर्स के मुकाबले में डेमोक्रेटिक नामजदगी हासिल की। 11 अगस्त 2020 को बाइडेन ने ऐलान किया कि उनका इंतखाबी साथी सेनेटर कमाला हैरिस होगी, जिसकी वजह से वो पहली अफ्रीकी नयाद अमरीकी, पहली हिंद
ہندوستانی امریکی، پہلی ایشین امریکی اور تیسری خاتون نائب صدارتی امیدوار کے بڑے ٹکٹ پر نامزد ہوگی۔ 1984 میں جیرالڈائن فیرارو اور 2008 میں سارا پیلن کے بعد جو جور جینسن نے سپائک کوہن کو اپنے شریک ساتھی کی حیثیت سے لیبرٹیرین کی نامزدگی حاصل کی، اور ہوگو ہاکنز اینجلا نیکول واکر کے ساتھ ساتھی کی حیثیت سے گرین نو مینشن حاصل کی۔ 2020 کے صدارتی انتخابات کے فاتحے کا شیڈیول 20 جنوری 2021 کو تیار کیا گیا ہے۔